आपका क्या नाम है काका? सियाराम गुर्जर। और आप कहाँ के? रहने वाला राजस्थान का। अभी लॉकडाउन वगैरह जब लगा था तब आपको कोई ऐसे टेंशन हुआ था या मानसिक? टेंशन ही हुआ यार, बच्चे पढ़ती थे, बच्चियाँ पढ़ती थी मेरी, उसके बाद में यहाँ से सब बच्चियों को गांव ले जाना पड़ा, फिर यहाँ का हमारा धंधा पानी चला गया तो बच्चे भी अभी गांव में स्कूल ही नहीं बैठा पाए और अभी अभी तक बच्चियाँ गांव में ही रख रही हैं, क्या करें अब। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो लोगों की मानसिकता के ऊपर जो असर हुआ है उसके ऊपर आपको क्या कहना हुआ है? बहुत ज्यादा असर हुआ है मानसिक तनाव के ऊपर। स्पेशली मतलब जो लोग ये रोज का जैसे आपका चाय की टपरी है तो वो रोज मतलब बंद हो तो रोज रोज कमाना है, रोज खाना है, इतना इतना अगर आप घर बैठ जाओ तो क्या खाओगे वे लोग। आपका नाम? मेरा नाम आरती है। आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करती हूँ। लॉकडाउन में घर का जो माहौल था उस वजह से आपके मानसिक तौर पे आपको कोई असर हुआ? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब पूरा दिन 2400 कलाक आप घर पे अकेले है, कहीं जाने को मतलब मिल नहीं रहा है तो आप पूरा दिन बैठ के मतलब शुरू में तो आप मतलब मूवी वगैरह वो सब देख के मतलब एंटरटेन करते हैं खुद को, पर आपको कोई चाहिए होता है कि जिससे आप बात कर सको, अपनी फीलिंग शेयर कर सको, पर इस दौरान लॉकडाउन के दौरान आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे आप ऐसा बोल सको कि आप अपने फीलिंग को कह सको कि नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, बात कर सकते हैं, तो काफी सारी दिक्कतें आती है उसको लेकर। और एक ये है कि मतलब अकेलापन आपको फील होना शुरू हो जाता है। आपका क्या कहना है हमारे इस कैंपेन के बारे में? ये कैंपेन बहुत अच्छा है और ऐसा होना चाहिए कि आप लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने लोग अकेलापन फील करें उससे पहले उन्हें अपनापन देना सीख जाइए। सो प्लीज टॉक अबाउट इट।